राफेल डील को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने दिए गए आधिकारिक बयान से सरकार को राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई भी देश भारत की तरह गंभीर खतरे का सामना नहीं कर रहा है और पड़ोसी देश भी निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। वहीं चीन अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए राफेल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल खरीद रही है। इन विमानों के जरिए देश की सुरक्षा में इजाफा होगा। 6 एयरक्राफ्ट का प्राइस है इज लोअर देन व्हाट वाज देयर इन द MMRCA कॉन्ट्रैक्ट। 50% आपको ऑफसेट मिल रहा है, उसकी सर्विसबिलिटी मिल रही है। आई थिंक वी हैव बिकॉज़ इट वेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज नेगोशिएटेड अ वेरी गुड डील। No, it is not that. पहले क्या था कि हम एक स्क्वाड्रन खरीद रहे थे और बाकी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे, ओल्ड MMRCA कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने फ्लाई अवे कंडीशन में दो खरीदा है, बिकॉज हमारे नंबर डाउन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मेजर की तरह से खरीदा, बट उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और दिस ऑफसेट इज क्लोज टू 50%।